कांग्रेस छोड़ते ही फिर लगा सिंधिया को झटका। जिस नेता को मानते थे समर्थक वो बोला मैं। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सियासी करियर का बड़ा फैसला लेते हुए मंगलवार को कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बुधवार को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया। इसके बाद से ही उनके समर्थन में कई कांग्रेस नेता भी खड़े हो गए। हालांकि मध्य प्रदेश के जिस नेता को सिंधिया का समर्थक माना जा रहा था उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के वाइस विधायकों ने उनके साथ होने का फैसला ले लिया था। सभी विधायक कर्नाटक में रुके हुए और भोपाल आने जा रहे हैं। इन सभी को सिंधिया का करीबी माना जाता है। वहीं कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी सिंधिया के बड़े समर्थकों में एक थे। उनके सिंधिया का बेहद करीबी माना जाता था। रामनिवास रावत ने शनिवार को सिंधिया को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में था और वही रहूंगा। उन्होंने कहा कि उनकी आस्था कांग्रेस और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति है। रावत ने साफ कह दिया कि जितना सम्मान उनको कांग्रेस में मिलता था भाजपा में नहीं मिलेगा। वो बोले कि सिंधिया भविष्य के लिए चिंतित है, इसी वजह से उन्हें कांग्रेस छोड़ी है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।